फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोटैटो रोल बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है, हाफ छोटी चम्मच अजवाइन, एक टेबल स्पून घी, घी की जगह पे आप तेल भी यूज कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। रोल की स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 बॉयल पोटैटो को अच्छे से मैश करके रख लिया है, हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। हमने यहाँ पे एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया है और एक हरी मिर्च ली है, इसे भी बारीक काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बनाए तो हरी मिर्च ना डालें। और ये हम इसके लिए आटा लगा लें। आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें हम ये मैदा डाल देते हैं, अजवाइन डाल दें, नमक डाल देते हैं, घी डाल दें। घी को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। घी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए गूंद लेंगे। हमें सख्त आटा लगाना है। आटा गूंद गया है, इसे हम ढक कर रख देते हैं जब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। पोटैटो रोल की स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो गया है, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, एक छोटा चम्मच जीरा डाल दें। जीरा के बाद प्याज डाल दें, छोटा से लाल कपड़ा है डाल देंगे, हल्दी डाल देते हैं, हरी मिर्ची। अब ये हम मैश पोटैटो डाल देते हैं। सब मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, इसे ज्यादा नहीं पकाना, 3 से 4 मिनट हमने पका लिया है और इसे हम गैस बंद कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं। आटा जो हमने गूंद के रखा था उसे अच्छे से मसल लें और इसे बराबर बराबर लोई काट लें। एक लोई हमने ले लिया है और इसे हम ओवल शेप में बेलेंगे। आधे को छोड़ के मादे को कट मार देंगे। स्टफिंग ले ले और इसे ऐसे रखें और साइड से पहले फोल्ड करें। ये देखिए एकदम सही तरीके का फोल्ड हो गया। सारे पोटैटो रोल हमने बना लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रही है, कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो चुके हैं। हम एक एक रोल करके डाल देते हैं, जितने एक बार में आएंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे। लो से मीडियम आंच में हमने सेक लिया है, ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। प्लेट पे हमने पेपर नैपकिन रख लिया है। हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। पोटैटो रोल बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। इसे आप कभी भी शाम के या सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।